साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने जो कहा वो हुकूमत के मौकिफ के बरक्स है। अटॉर्नी जनरल के बाद वफाकी वजीर कानून को भी घर जाना चाहिए। शहजाद अकबर बताएं वो जासूस हैं या नैब के सरबराह। अनवर मंसूर के इल्जाम के पीछे कौन है? JIT बनाई जाए, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुतालबा कर दिया। कहा अपोजिशन का किरदार चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को जल्द वतन वापस आना चाहिए। इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन बाहर है। इस वक्त अपोजिशन का अगर सही किरदार अदा कर रहा है तो हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, जो एक तसलसल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रहे हैं। जो जालिम हुकूमत है, जो सिलेक्टेड हुकूमत है, जिसने हर हक अवाम का जो है वो जब्त किया है, सबको बाहर निकलना होगा। और इस हुकूमत को जो खुद ही गिर रही है, एक अटॉर्नी जनरल का मुस्ताफी होना एक कम बात नहीं है। और इस वक्त जैसे मैंने कहा, दो और इसमें फरीक हैं जिनको फिल फॉर घर जाना चाहिए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बाकी जो लोग हैं वो भी घर जाएंगे। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला का दरबार है ना, इसमें कोई मसाहत मिल रहा है शाह को कि वो उठाएं और उसे अटॉर्नी जनरल के तौर पे पेश करें? यके बाद दीगरे इनके तमाम वार जो है वो खाली जा रहे हैं। लेकिन इस मौके पर ऑपोजिशन पार्टीज और वो तमाम रूह रवां उस तहरीक के जो कि पहले इस मुल्क ने देखी, उनको इकट्ठा होना चाहिए और इसी तर्ज पर दोबारा बाहर निकलना चाहिए।